हेलो एवरीवन। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आज सुबह सुबह वो आपको मिस कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। देखते हैं कि क्या सुबह सुबह वो आपको मिस कर रहे थे या नहीं। ठीक, चलिए फोकस कीजिएगा आप कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, कार्ड्स निकालते हैं हम। शॉर्ट रीडिंग है तो शॉर्ट ही होगी। चलिए देखते हैं, फोकस कीजिएगा आप बस। ओके ओके, ये ज्यादा कार्ड्स हो गए। ये कार्ड निकल रहा था, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके ठीक है, ओके ओके। बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ वेंट्स। आपके जो पर्सन हैं फिलहाल, देखिए ये पर्सन हो चुके हैं एकदम से अकेले, अकेलेपन के शिकार हो चुके हैं ये पर्सन। आप सोचोगे कि अकेलेपन के शिकार कैसे, तो ये पर्सन अपने करतूतों की वजह से अकेलेपन का शिकार हो गए हैं। ठीक है, अपने अकेलेपन की वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि इनके लड़ाई झगड़े या अग्रेसिव नेचर की वजह से, या इनके झूठ बोलने की नेचर की वजह से, इनके धोखा देने की नेचर की वजह से ये पर्सन आज अकेले हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, आपसे झूठ बोले हैं तो अन्य लोगों से भी ये पर्सन झूठ बोलते होंगे। और आज स्थिति ऐसी आ गई है कि आपके पर्सन पूरी तरीके से अकेले हैं। ठीक है, ये एक अकेले और बाकी सब एक तरफ। ठीक, तो ये अपने आप का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। आपके पर्सन जो है आपको बहाने बनाते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। अगर आपसे मिलने की बातें भी हुई हैं या बात करने की बातें भी हुई हैं तो ये पर्सन एक्सक्यूजेस देने में ही परेशान रहते हैं। ठीक है, वो मुझे नजर आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी के अनुसार। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना, मुझे काफ़ी अच्छी सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो है एक्सक्यूजेस देने में ही जो है रहते हैं। ठीक है, चलिए इनको रखते हैं हम यहाँ पे। सेवन ऑफ कॉइन्स एकदम से। आपके पर्सन एक नंबर के सेल्फिश इंसान है। आपको बुरा लगे तो लगे, बट जो कार्ड में आया वही मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे एक नंबर के सेल्फिश इंसान दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अपने आप के बारे में सोचना। ठीक, आपकी भावनाओं की कदर नहीं, आपकी भावनाएं या आपका रोना इनको नजर नहीं आता है। ठीक है, सच्ची बात बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये पर्सन अपना फायदा देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि इनको जब बात करनी है या इनको जब आपके साथ सेक्सुअल बातें करनी होती है तब ये पर्सन आते हैं आपके पास। तब ये पर्सन आते हैं, बहुत ही प्यार से बात करेंगे। सुबह में अगर आप इनको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजो, उसका कोई रिप्लाई नहीं देंगे ये पर्सन। ठीक है, उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देखेंगे। देखेंगे आपका मैसेज, लेकिन आपको आपको जो इग्नोर है ना, इग्नोर कर देंगे ये पर्सन। ये दिख रहा है मुझे, ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश है, अपने मतलब के लिए सबसे पहले आते हैं। इनको मिस करता हुआ मैं नहीं देख पा रही हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि ये दिख रहा है ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है ना अपने वर्क में अपने 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 आप को आगे ले जाने में बिजी हैं अभी फिलहाल। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन रात में आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अभी जो है फिलहाल जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अपना अपने बारे में पहले सोचना है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन जानते हैं कि आप तो इनका वेट करोगे ही करोगे। ये पर्सन पूरी तरीके से जानते हैं कि आप तो इनका वेट करोगे ही करोगे। आप जाओगे कहाँ इनको छोड़ के? आप तो इनके इनसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, इतना ज्यादा प्यार करते हो कि आप इनके प्यार के भूखे हो। ठीक है, ये पर्सन को फील होता है, ये पर्सन को लगता है कि आप नहीं जाने वाले हो छोड़ करके। ये पर्सन दो दो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोल देंगे, आपका दिल पिघल जाएगा, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है ना। काफी अंदर से इमोशनल हो ना, काफी इमोशनल हो आप, प्रैक्टिकल नहीं हो, काफी इमोशनल हो। अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो, टूट के चाहते हो आप, और इसीलिए आपके पर्सन इस चीज का फायदा उठाते हैं।
आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो जितना टाइम उनको चाहिए, चाहे रात के आप दिन भर पूरे काम के रहो, और रात में ये पर्सन अगर आपसे बात करे और बात करते करते सुबह भी हो जाए तो भी आप नहीं कहते हो कि मैं थकी हूँ या थका हूँ, आप इनसे बात करते रह जाते हो, यानी कि आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप इनका आदर सम्मान सब करते हो, लेकिन ये पर्सन नहीं कर पाते हैं, ये पर्सन आपका आदर सम्मान नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, इनके माइंड में अधिकतर बातें सिर्फ सेक्सुअल रहती हैं, अधिकतर बातें सिर्फ जो है आपके साथ फिजिकल कनेक्शन बनाने की या फिर सेक्सुअल बातें करने की चाहत होती रहती है इनकी, ठीक है, वो मुझे नजर आ रहा है। आपको इंतजार करवाना, आप इंतजार करते रहते हो कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, ये पर्सन की एनर्जी मुझे बता रही है कि ये पर्सन की स्थिति तो ऐसी है, ऐसी है इस पर्सन की स्थिति, यानी कि ये पर्सन जो है ना आपको आशा या दिलासा दे करके चले जाते हैं, और जब इनका मन आता है, जब इनका मन करता है कि आपसे बात करनी चाहिए, अब मुझे ज़रूरत है फिजिकल होने की या सेक्सुअल बातें करने की, मन बहलाने की, तब ये पर्सन आपके साथ चले आते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है, आपके पर्सन अभी फिलहाल आपको मिस नहीं कर रहे हैं, सॉरी टू से। सो ये है आपकी रीडिंग, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।